हेलो दोस्तों, बेत कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल में टॉप 50 फार्मूलों का सीरीज चलने वाली है। तो अगर आप एक्सेल को सीख रहे हैं तो इन सब फार्मूलों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक्सेल के टॉप 50 फार्मूलों में से यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपको पावर रैंड रैंड बिटवीन ट्रांसपोज फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारा यहां पे कुछ फॉर्मेट लगा के मैंने रखा है जिसमें हम आपको पावर फंक्शन और रैंड बिटवीन ट्रांसपोज फार्मूलों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला हमारा यहां पे आया है पावर फंक्शन। इस फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, यानी इस फंक्शन का यूज हम घातों का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो किस तरीके से होगा, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इक्वल को प्रेस करना है और यहाँ पे पावर को, यहाँ पे पावर फंक्शन को टाइप करना होगा। तो पी ओ डब्लू, ऐसे में आपको पावर फंक्शन को यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। इतना आपको लिखने पे आपका यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं कि आपका लिख करके ये आ चुका है पहले से ही पावर। तो आप अगर टैब बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है नंबर, तो किस नंबर को आप देना चाहें, यानी किस नंबर का आप घात लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 कामा लगा देंगे यहाँ पे। अब इसका घात हमें यहाँ पे पूछ रहा है पावर, आप इसका पावर कितना रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जितना भी आपको पावर निकालना हो, तो यहाँ से हम मान लीजिए 2 रख लिया हमने और कोष्टक को बंद कर लिया। अब हम यहाँ पे जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर निकल के आ चुका है आपका, यानी 5/25 यह पावर आपका निकल के आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा भी देख लेते हैं, बराबर पावर, टैब बटन दबा दीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे का घात मान लीजिए निकालना हो, तो हमें 6 हमने टाइप कर दिया और यहाँ पर कामा लगा दिया। अब यहाँ पर घात हमको 2 रखना है, तो 2 रख करके यहाँ पर कोष्टक को बंद करना है और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दे दिया 6/36, यानी यहाँ पे 36 निकल के घात इसका आ चुका है। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरा आपका फंक्शन यहाँ पे दिया है, दूसरा फार्मूला रैंड में। रैंड का उपयोग किस लिए किया जाता है, रैंड फार्मूलों का उपयोग, यह फार्मूला तब हमारे काम में आता है जब हम किसी रैंड संख्या यानी रैंडम संख्या को इंसर्ट कराना होता है जो 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी संख्या आपको प्रैक्टिस के लिए इंसर्ट करा सकते हैं। यह संख्या 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, यानी आप अगर किसी को कुछ बताना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, हाँ, तो इस फार्मूलों का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है आपका, यह 1 से ज़्यादा नहीं होगी इसमें अंक और 0 से कम नहीं होगी। तो किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, तो हम यहाँ पे इक्वल टू टाइप करते हैं और यहाँ पे RAND रैंड कमांड हम यहाँ पे दे देते हैं। इसी तरीके से आपका वहाँ पे MS वर्ड में भी रैंड कमांड का उपयोग होता था जो पैराग्राफ लिखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसी तरीके से इसमें भी है, कुछ आपके नंबर टाइप होते हैं जो आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहता है, उसके ऊपर ना तो जाएगा और ना तो 0 से कम आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बराबर रैंड लिखने के बाद कोष्टक को आपको दोनों तरफ से क्लोज करके इंटर बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो और 1 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से कम नहीं संख्या जाएगा। कितना भी आप यहाँ से पकड़ के खींच दें आपका ये निकल के आएगा, यानी 0 से कम भी नहीं रहेगा और 1 से ऊपर तक ऊपर भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम पकड़ के खींच सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं आपका पूरा यहाँ पे कितना भी खींचें आप तो ये आपका वैल्यू 0 से ही ऊपर आएगा और 1 से कम आएगा। तो इस तरीके से हम रैंड का उपयोग करते हैं जो आपका यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी को अगर हम बता रहे हैं कुछ तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप देख लेते हैं हम रैंड बिटवीन फार्मूला, तो रैंड बिटवीन का उपयोग इसलिए किया जाता है, इस फार्मूला का यूज हम
एग्जैक्ट बीज की संख्या पता करने के लिए करते हैं, यानी आप तय कर सकते हैं कि 10 से लेकर के 50 के बीच नंबर इंसर्ट कराना हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। यह कोचिंग या इंस्टीट्यूट में यह सिर्फ समझाने के लिए ज़्यादातर काम में आता है, किस तरीके से होगा उपयोग इसका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम हिंदी किसी सब्जेक्ट का ही, हम यहाँ पे वैल्यू निकाल के देख लेंगे, नंबर निकाल के देख लेंगे। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इसमें आपको इसमें कितना नंबर व्यक्त पाया है, इस तरीके से हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू यानी बताने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट या आपका कोचिंग में हम डायरेक्ट इसमें बताने के लिए समझाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। हमको अंक को टाइप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये लिख करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है जितने में आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहीं पे हम डायरेक्ट एस एम ए इक्वल टू प्रेस करेंगे और रैंड बिटवीन फार्मूला का उपयोग करके हम रैंड बिटवीन आपका यहाँ पे जैसे लिखेंगे वैसे आपका यहाँ पे आ चुका है। टैब बटन को दबाएंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है बॉटम, तो बॉटम में आपको देना है यानी कितना तक आप इसमें निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ से 33 लिख देते हैं और कामा प्रेस करेंगे। 33 से लेकर के 90 के अंदर ही, यानी 33 से ऊपर कोई भी संख्या है और 90 के बीच में उसके नीचे ही कोई भी संख्या है, ये हमको निकालना है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हम पता कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आएगा आपका, और 33 से ऊपर रहेगा और 90 से नीचे रहेगा, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें इंटर बटन को प्रेस कर देना है और यहीं पे हम करेंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल आर कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम समझा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से हम रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज करते हैं डायरेक्ट किसी भी चीज़ को यहाँ पे लिखने के लिए। ये वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आपको हम बता देते हैं ट्रांसपोज फार्मूला का यूज किस लिए किया जाता है। तो इस फार्मूला का यूज अगर आप कोई भी डाटा वर्टिकली बनाए हैं और उसे आप हॉरिजेंटली करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। किस तरीके से होगा आपको हम बताने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्टिकली में डाटा हमारा रखा गया है, इसे हम अगर हॉरिजेंटली में करना चाहें तो हम इस फार्मूलों के हिसाब से यानी यह ट्रांसपोज फार्मूला के हिसाब से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से हमें इसे सेल को गिन लेना है, यानी यहाँ पे कॉलम और रो को देख लेना है और यहाँ पे भी आपको उतना ही यहाँ पे रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें लाना है कॉलम के हिसाब से। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें फार्मूला का यूज करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ट्रांसपोज फार्मूला हमने यहाँ पे एक्टिव कर लिया। अब ये पूछ रहा है आपका अरे, अब इसमें अरे में क्या आपको देना पड़ेगा, पूरा वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक देना है और कोष्टक को बंद कर देना है। और यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके इंटर बटन जो ही हम प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा हमारा यहाँ हॉरिजेंटली में आपका यहाँ पे वर्टिकल में था और ये हॉरिजेंटल में हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से डाटा हमारा क्या था, यहाँ पे वर्टिकल था और इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉरिजेंटल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा इसका उपयोग किया जाता है। और आपको इसी में बता देते हैं किस तरीके से होगा। से मैंने सेलेक्ट किया चार वैल्यू को और यहाँ तक लेके चले गए। अब ये करने के बाद आपको इसी में फार्मूला का यूज करना है, बराबर ट्रांसपोज फार्मूला का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद अब यहाँ से लेकर के हमें डाटा को सेलेक्ट कर लेना है पूरा पूरा। करने के बाद अब यहाँ पे कोष्टक को बंद करना है। कोष्टक को बंद करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन जो ही हम प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा हमारा डाटा जो था वर्टिकल में वो हॉरिजेंटल में आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, डाटा हम फाइंड कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली डाटा को हम हॉरिजेंटली में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज फार्मूला के
उपयोग से। तो इस तरीके से हमारा इन सब फार्मूलों का यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो